ये द्वैत और अद्वैत में भी काफी कंफ्यूजन हमारे बेसिक फिलोसॉफी में होती है कि हम कंपटीशन में लगे हुए हैं, अरिहंत सिद्ध वगैरह की कुछ हो गए और हमको भी होना है, तो ये एक बेसिक डुअलिटी क्रिएट करती है। इस द्वैत को कैसे एड्रेस किया जाता है? हम द्वैत किसको कह रहे हैं, पहले ये क्लियर हो जाए। हमारे लिए द्वैत का मतलब ये कहाँ है कि अरिहंत तो सिद्ध हो गए और हमें होना है। ये तो एक ही स्थिति है कि बीज कोई फूल हो गया है और किसी बीज को फूल होना है, वहां द्वैत नहीं है। वहां तो केवल इवोल्यूशन का फर्क है। यहाँ द्वैत का मतलब क्या, हम जो कर रहे हैं अभी तक क्या अरिहंत सिद्ध के अपेक्षा में नहीं कर रहे? हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं मैं अलग वो अलग। अब मैं अलग वो अलग में जब तक हमने अपनी इस आइडेंटिटी के साथ, जिसको अभी हम आइडेंटिटी हमने हमने हमारी जो बना रखी है उसके साथ हम अटैच्ड हैं, तब तक हम अपनी आइडेंटिटी के साथ में हमने एक मैं पैदा किया है, ईगो पैदा किया मैं। इस मैं को बाकी दुनिया तू दिखाई देती है, और मैं और तू जहां है वहां फिर तू मैं में भी आ रही है। ये द्वैत है, मैं और तू के बीच में फिर तू मैं हो रही है, ये द्वैत जगत है। अब ये जो हमारी एक लिमिटेड आइडेंटिटी है जिसके साथ हमने अपने आप को एसोसिएट करके ये मान लिया कि ये मैं हूं, जब तक ये स्थिति मौजूद रहेगी कि मैं ये हूं तब तक तू भी बना रहेगा। और जिस दिन मैं ये पहचान लूं कि मैं कौन हूं, उसके बाद में मैं ही खत्म हो गया तो तू भी खत्म हो जाएगा। तो द्वैत का मतलब मैं के साथ है, मैं है तो द्वैत है। और हम इस मैं पे काम नहीं कर रहे हैं और इस तू को बदलना चाह रहे हैं, या तो तू पे दया कर रहे हैं, या हम तू को मार रहे हैं, या हम तू के साथ झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भी। जब तक मैं खड़ा है तब तक तू खड़ा है, तब तक द्वैत है, सारा कॉन्फ्लिक्ट है, और कॉन्फ्लिक्ट मैं की वजह से है। तो कहाँ काम करना है, इस मैं को पहचानने में काम करना है। महर्षि रमण के साथ क्या हुआ, मैं कौन हूँ इस प्रश्न के साथ उनके भीतर कुछ विस्फोट हुए। ये प्रश्न विस्फोटक स्थिति में उनके भीतर पैदा हुआ और उसके साथ ही उनके भीतर कुछ परिवर्तन हो गया, वो मैं खत्म हो गया। और जब मैं खत्म हो गया तो तू भी नहीं बचा, इसलिए उन्होंने बोला देर इज नो अदर, कोई दूसरा है ही नहीं। तो द्वैत का संबंध मैं और तू के साथ है, और मैं तू मतलब सारी तू तू मैं है, सारा संसार पड़ा है। द्वैत का संबंध अरिहंत सिद्ध और हमारे साथ नहीं है, अरिहंत सिद्ध और हमारी जो स्थिति है वहां द्वैतता है ही नहीं। वहां तो केवल इवोल्यूशन प्रोसेस में है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ वो मुझे पता लग जाए तो मैं क्या हो सकता हूँ वो भी दिखाई पड़ जाएगा, मैं क्या हूं वो प्रकट हो सकेगा। कुछ क्लियर हुआ? हमारे में हमेशा मुझे बेसिक ये प्रश्न हमेशा रहता है कि हमारे यहाँ पे बेसिकली ये क्रिएट किया गया है कि सिद्ध है और अरिहंत है और हमें भी वो होना है, और वो होने में ही बेसिक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम लोग इस तरह से कभी बेसिक रखते नहीं है कि भाई जब जो तू है सो मैं हूँ। हम लोग कहते हैं कि वो है और हमें वैसा होना है, और वहीं पे कुछ तो भी प्रॉब्लम होता है, ऐसा मेरा अभी तक का जो भी समझ है। आपको इस तरीके से बताया गया है कि अरिहंत सिद्ध एक स्थिति है और हम एक जगह पे खड़े हैं, वहां हमको अरिहंत सिद्ध होना है, ठीक है। और आप कह रहे हो कि हमें ये नहीं बताया गया कि जो तू है वही मैं हूँ, जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमें यही सिखाया गया जो तू है वो मैं हूँ। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीष, लगभग हर जैनी परिवार में भक्तामर का पाठ होता है, और भक्तामर में स्पष्ट कहा जा रहा है कि सोहम तथापि तव भक्ति, मैं भी वही हूँ जो तुम हो, फिर भी तेरी भक्ति में आकर के मुनीष में ये बात कहता हूँ, ये स्तुति करता हूँ। सोहम मंत्र ये समण दर्शन का मूल मंत्र है। सोहम यानी मैं वही हूँ। मैं वही हूँ का मतलब क्या है कि मैं अरहंत सिद्ध जिसको हम नाम दे रहे हैं, हमें अरहंत सिद्ध होना ऐसा नहीं है, हम है ही पर हमें पता नहीं है। जैसे राजा का पुत्र है तो वो राजा ही,
लेकिन उसको पता नहीं है, क्योंकि अभी वो चोरों की संगत में बचपन से जी रहा है, और बचपन से वो चोरों की संगत में रह रहे हैं, तो उसको याद ही नहीं वो कभी राजा का पुत्र भी था। फिर सालों बाद एक घटना घटती है कि राजा अपने पुत्र को खोजने के लिए भेजता है, और पता लगता है कि वो जो चोरों की पल्ली का सरदार बना पड़ा है वो ही उसका बेटा है। और उसको जाके कोई कहे तो वो नहीं मानेगा, लेकिन फिर उसके सामने कोई चिन्ह सामने आता है, उसके गले में कुछ निशान है जिससे पता लगता है कि वो राजपुत्र है। और जैसे उसको ये पता लगा कि वो राजपुत्र है, उसने कल के लिए चोरी करने का, डाका डालने का जो कुछ प्लान बनाया था, जो उसके सारे चोर मित्र थे, क्या वो वापस उसी प्लान में रहेगा, उन्हीं मित्रों के साथ रहेगा, या जैसे उसको ये पता लगा कि मैं तो राजपुत्र हूँ, राजा हूँ, क्या होगा? एक पल में उसकी आंख खुल गई, वो तो राजा बन गया, और उसकी सारी प्लानिंग, उसका कोई औचित्य नहीं, कोई मूल्य नहीं, वो सब एक सपने की तरह गायब हो गए। ऐसे हम सारे लोग एक प्रमाद में हैं, हमें लगता है मैं ये हूँ, अब मैं जो भी हूँ, एक तरह से समझ लो हमने अपने आप को एक चोर पुत्र बना लिया है, जबकि है हम राजपुत्र। हम ही सिद्ध बुद्ध मुक्त है। कभी किसी ज्ञानी ने ये नहीं कहा कि तुम हो नहीं, उन्होंने कहा तुम हो, बस तुम्हें पहचान नहीं है अपनी। क्यों पहचान नहीं है? क्योंकि तुमने किसी और के साथ अपनी पहचान जोड़ ली है, उसी को मिथ्यात्व कहा, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन को, कि हमने किसी और के साथ पहचान जोड़ ली। कैसे जोड़ ली? एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जो भी स्वामी जी पिछले कई दिनों से कोट कर रहे हैं, कि कार है, ड्राइवर है। अब अगर ड्राइवर ने अपने आप को शराब पिला दिया, और शराब के नशे के अंदर वो सपना देख रहा है, और सपने में अपने आप को वो कार समझ बैठा है, तो क्या करना होगा? अब वो ड्राइवर अपने आप को कार समझ रहा है, तो कार को चोट लगती है, वो कहता है अरे मुझे चोट लगी। तो उस ड्राइवर को खाली उसके नशे से जगाना होगा, जैसे ही वो नशे से बाहर आएगा उसको पता लग जाएगा कि कार अलग है, ड्राइवर अलग है। कार को चोट लगने से ड्राइवर को चोट नहीं लगती है, क्योंकि कार और ड्राइवर के बीच में कनेक्शन है, लेकिन कार ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर कार नहीं है। तो हमने अपने आप को जो बना रखा है वो हम नहीं है, और हम जो है उसका हमें पता नहीं है। तो अरहंत और सिद्ध उनको कहा गया है जिनको ये पता हो गया है कि वो कौन है, और हम वो है जिनको हमारा पता नहीं है। दुनिया जहां से तो मुलाकात हो गई, खुद से मुलाकात बहुत कठिन है साकी, बहुत दुर्लभ कर ली हमने, खुद से मुलाकात नहीं करी। तो द्वैत का मतलब ये नहीं है, यहाँ तो समण दर्शन का मंत्र ही सोहम है, मैं वही, और मैं वही हूं, मैं वही कौन है, इसको खोजना, कौन वही, कौन मैं हूं। और बातों में कहने से तो कुछ नहीं होएगा, यात्रा करने से ही कुछ होगा, बातें कितनी कर ली जाए। इससे क्या होगा? फिर अंततः हमें कहना पड़ेगा कि गफ्फार का गाजी बन तो गया, ये बातों में तो मैं बहुत बादशाह बन गया, लेकिन किरदार का काजी बन न सका। लेकिन किरदार में क्या हूं, ऐसा ना हो, इसीलिए खुद के भीतर जाकर के खुद की स्थिति में जाना। और बाकी फिलोसॉफीज बहुत है, सब अलग अलग तरीके से व्याख्याएं कर रहे होंगे, लेकिन जिसको वाकई प्यास होगी वो फिर सही अर्थों तक पहुंच जाएगा, वो फिलोसॉफियों में नहीं अटकेगा, वो अपने भीतर ही खोज लेगा। जय हो। जी बोलिए। Any follow-up questions? आई वॉन्टेड लिटिल क्लैरिटी अबाउट अभयदान। यस आस्क प्लीज। सो एज वी से इट इज अभय, मतलब विदाउट फियर। सो व्हाट काइंड ऑफ फियर आर वी एड्रेसिंग दैट? आपका प्रश्न है कि अभय का मतलब क्या है? अगर हम अभय को बोलते हैं कि फियरलेस, तो व्हाट काइंड ऑफ फियर? फियर के
फियर के कितने भी काइंड करो, कितने भी प्रकार करो, फियर मीन्स फियर, फियर के कितने भी प्रकार हो जाए, एक ही बात है कि जहां अंधेरा है वहां डर है, जहां अज्ञान है वहां भय है। So how do we clarify that? हम अपने आप को नहीं जानते तब तक भय है। जहां अहिंसा है वहीं अभय है, जहां दो है वहां भय है, एक एकत्व स्थिति में कोई भय नहीं रहता, इसीलिए उसको प्रेम बोला, Okay. उसको अहिंसा बोला। और हिंसा का मतलब ही भय। अब भय कितने प्रकार से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भय मतलब भय। और भय का एक ही अर्थ है कि जहां हम खुद को नहीं जानते, खुद में प्रकाशित नहीं है, वही भय है। सारे भय एक एक ही जगह पर जाकर के पहुंचाते हैं, वो क्या? मृत्यु। सारे डर मृत्यु के डर है, भय के जितने भी प्रकार है अंततः मृत्यु की बात है। एक लेडी आती थी हमारे पास, हम कभी कभी ऐसी बिल्डिंग्स में रुकते हैं जहां आपको लिफ्ट में आना होगा क्योंकि बहुत ऊपर रुके हुए हम 37th फ्लोर पे हैं। तो लेडी बोलती है कि आप नीचे आके मिल लेना, मैं ऊपर नहीं आऊंगी। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे को लिफ्ट में आने में डर लगता है। तो मुझसे पूछे लिफ्ट में आने में क्यों डर लगता है, सारी दुनिया लिफ्ट में आ जा रही है, 1 मिनट से भी कम समय में लिफ्ट आपको ऊपर पहुंचा रही है, आपको क्यों डर लग रहा है? बोले नहीं नहीं कहीं भी लिफ्ट रुक गई तो। अब जिसको लिफ्ट का डर है, लिफ्ट रुक गई तो डर है, तो एक्चुअली लिफ्ट का डर है कि नहीं, लिफ्ट रुक गई तो इस बात का डर है। अच्छा लिफ्ट रुक गई तो क्या हो जाएगा? पहली बात तो रुकती नहीं, और रुक गई तो बिल्डिंग में सारे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स होते हैं, तो किस बात का? नहीं नहीं लिफ्ट रुक गई तो कहीं मेरे प्राण ना छूट जाए उसी में। डर किस बात का? कहीं मेरे प्राण ना छूट जाए उसी में, कहीं मेरी मौत ना आ जाए। सारे डर कहाँ ले जा रहे हैं आदमी को? मौत तक। सारे मृत्यु के डर है। और मृत्यु का डर किस लिए है? क्योंकि जीवन का ज्ञान नहीं है, और जिसे जीवन का ज्ञान हो गया उसके लिए मौत बची नहीं। ज्ञानी के लिए तो मृत्यु है ही नहीं, अज्ञानी के लिए मृत्यु है। तो मौत का डर का मतलब क्या हुआ? अज्ञान। और अज्ञान का मतलब क्या हुआ? खुद खुद को नहीं जान पाना, यही अज्ञान है। बाकी सारी जानकारी तो गूगल पे भरी पड़ी है। एक ही चीज की जानकारी बाहर से नहीं मिल सकती, खुद के बारे में। खुद को हम नहीं जान सकते किसी और से, खुद को खुद में जाकर के ही जानना होगा। वही एक चीज ऐसी है जिसके लिए पूरी तरह से हम स्वतंत्र है। हम चाहे तो जाने खुद को, चाहे तो अज्ञानी बने रहे। तो जो भय है वो अज्ञान का है, मृत्यु का है। सारे भय जितने भी प्रकार के भय है सब मृत्यु तक ले जाते हैं। बीमारी से डर है, क्यों डर है? क्योंकि बीमारी में मर गया तो। लोग बोलते मौत से डर नहीं है, बीमारी से डर है, पर हकीकत में उनको डर मौत का ही है, वरना क्या फर्क पड़ेगा बीमारी से, लेकिन मर जाएंगे बीमारी में। असुविधा का डर भी मृत्यु का ही डर है। सुविधा में हमें ऐसा लगता है शांति है नहीं, सांत्वना है शांति का। तो आपका प्रश्न है कि हमें डर किस कितने प्रकार के हैं? डर बहुत तरह के, कितने भी तरह के डर हो, अलग अलग समय में डरों के अलग अलग भेद बताए गए। मेरा लाइक आई एम वर्किंग एज एन साइकोलॉजिस्ट, यस यस, तो मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट केसेस होते हैं। यस यस, व्हेन आई एम वर्किंग स्पेशली विद द सिज़ोफ्रेनिया केस, यस, तो सिज़ोफ्रेनिया में कैसे होता है, दे डोंट इवन रियलाइज कि उनको क्या डर लग रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जिसके बारे में तो वो प्रेजेंट ही नहीं है, वो उनका एकदम ही एब्सेंट माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चल रहा है, रियल माइंड तो उनका होता ही नहीं है, लाइक इट डजंट वर्क। सो दोस काइंड ऑफ पीपल के लिए किस तरह से उनको ना फियरलेस बना सकते हैं, या नो हाउ टू हेल्प दोस पीपल टू कम आउट ऑफ द फियर। आई मीन मेनी ऑफ देम वांट टू वर्क, ऐसा नहीं है कि ना दे डोंट नो, बहुत सारे होते हैं जिसको पता ही नहीं है कि उनको सिज़ोफ्रेनिया है, बट बहुत सारे ऐसे भी है जिनको रियलाइज होता है कि दे आर गोइंग थ्रू दिस, दे इट्स एन हेल्प,
वो खुद बोलते हैं कि हम नरक की गति जैसा फील करते हैं नो, जो बचपन में सीखते हैं जेल के कि ना यही नरक है, आई अंडरस्टैंड दिस इज नरक, मैं इससे निकलू कैसे, दैट इज नॉट इन देयर कंट्रोल, वो तो टोटली केमिकली होता है राइट. तो दे इफ दे कम एंड हाउ कैन वी हेल्प थ्रू योर नॉलेज लाइक यू नो. ऐसा है संगीता जी कि सबसे पहली बात, हम किसी को भी तभी उपचार कर सकते हैं जब हमारे अपने आप के भीतर वो बीमारी ना हो. हम किसी को वही तो दे सकते हैं जो हमारे पास होगा. अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी हम बात करते अभय दान की, पर हम खुद भयभीत है तो हम किसी को कैसे अभय दे सकते हैं, दिया ही नहीं जा सकता अभय. कोई भी चीज जो अपने पास नहीं वो दूसरे को दी नहीं जा सकती. हमारे पास लाइट नहीं, हम किसी को लाइट नहीं दे सकते. ऐसी सिज़ोफ्रेनिक की जो आप बात कर रहे हो, ऑलमोस्ट एवरीवन इज लाइक सिज़ोफ्रेनिक, हम में से हर कोई में ये बीमारियां है ही, बस केवल डिग्रीज का फर्क है. किसी में डिग्री बढ़ जाती है तो हम उसको अब नॉर्मल केस बोल देते हैं, और बाकी सबके पास जो नॉर्मल डिग्री, तो हम अपने आप को हम नॉर्मली ठीक बोल रहे हैं, जबकि हम सारे लोगों में ये मानसिक बीमारियां है ही. और हम अपने मन को जानते नहीं है तो हम किसी को उसके मन के बारे में कैसे बता सकते हैं. जब हम अपने ही अपने मन से मुक्त नहीं हुए, हम अपने भयों से मुक्त नहीं हुए, हम अपने कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लेक्सेस से मुक्त नहीं हुए, हमें अपनी बदनामी का डर है. बहुतों को बदनामी का, कितने लोगों को अपनी अपनी बदनामी का ही डर है. बस कहते और कोई बात नहीं, बस बदनाम नहीं होना चाहिए. अरे बदनाम का मतलब क्या? एक छोटी 10 साल की लड़की अभी थोड़े दिनों पहले हमारे साथ थी हमारे कार में, बोलती है कि सारे बड़े बड़े लोगों को अपनी अपनी इज्जत का बहुत डर रहता है, पर उनको पता ही नहीं इज्जत है कहाँ. जिस जो चीज उनके पास है ही नहीं उसका डर उन सबको लगा हुआ है. इज्जत का तो पता ही नहीं है, इज्जत क्या है वो पता ही नहीं, पर इज्जत ना चली जाए इस बात का डर सबको बहुत है. नाम क्या ये तो पता ही नहीं, पर बदनाम का डर सबको बहुत है. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो चीज हमारे पास खुद ही नहीं है हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं. तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी मानसिक रोगी को ठीक करना चाहते हो, तो पहले आपको अपने मनोविज्ञान का खुद का अध्ययन करना होगा. आप अपने मन के पार जा पाई हो तो ही आप उसको मदद कर सकोगे, एक बात. दूसरी बात ये आपने ठीक कही कि किसी रसायनों से उनको ठीक नहीं किया जा सकता. रसायनों से तो आदमी को और ज्यादा मंद कर दिया जाता है. फिर हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए कई सारी टेक्निक्स हैं. उसको आप पर्सनली मुझसे बात करके या पर्सनली आप कभी मिल करके उसके बारे में और जाना जा सकता है. जय हो. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक आज मैंने काफी समय ले लिया है. Just any other questions? We can wrap this up. Actually, it is a bit late for US participants. It's about approaching 11 p.m. in the night. Just wanted to make a small announcement. This coming.